मतलब पढ़ने वाले हैं वायरस या फिर विषाणु कह लीजिए, और इससे जो होने वाले प्रमुख रोग हैं वायरस या क्या कहेंगे विषाणु, तो इससे जो होने वाले हैं प्रमुख रोग उनके नाम जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपको अच्छी तरह से याद है, एड्स सबको पता है किससे होता है, वायरस से होता है। और अगर ये पूछ दिया जाए कि जो एड्स का वायरस है इसका नाम क्या है, तो एड्स के वायरस का नाम क्या है, एचआईवी वायरस, ये भी याद कर लीजिए। कौन सा वायरस है, एचआईवी वायरस। इसी तरह से दूसरा जो रोग होता है वायरस से क्या कहते हैं उसको, बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या होता है, H5N1। तो दो रोग हो गए वायरस के, एक एड्स याद रखते हैं वायरस के नाम पूछ दे HIV, एक बर्ड फ्लू होता है वायरस के नाम पूछ दे तो H5N1। इसी तरह से क्या याद करेंगे, एक होता है स्वाइन फ्लू, क्या होता है स्वाइन फ्लू, ये भी जो है वायरस से होने वाले रोग है। तो तीन लोग हमने पढ़े, एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। और क्या याद करेंगे, जो आपका डेंगू होता है जिसमें बहुत तेजी से बुखार आता है, तो ये भी आपका वायरस से होने वाला रोग है। तो एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, डेंगू हो गया। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपका चिकनगुनिया होता है, तो चिकनगुनिया भी किससे होने वाला रोग है, तो चिकनगुनिया भी वायरस से होने वाला रोग है। और कौन सा होता है वायरस से, तो पोलियो आप लोग समझ लीजिए कि जो पोलियो होता है ये आपका वायरस से होता है। इसके साथ साथ क्या याद करेंगे कि जो हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस ये रोग किससे होता है, तो ये भी आपका वायरस से होने वाले रोग है। ये सभी आपके वायरस से होने वाले रोग यहाँ पे बताए जा रहे हैं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, हिपेटाइटिस। और इसके साथ साथ क्या याद करेंगे, जो चेचक होता है, चेचक भी आपका वायरस से होने वाला रोग है। और कौन सा याद करेंगे, जो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा, तो ये भी वायरस से होने वाले रोग है। तो इस तरह से हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि वायरस या विषाणु से होने वाले रोग, नंबर एक क्या बताया था, स्वाइन फ्लू आप याद करेंगे, नंबर दो पे बर्ड फ्लू याद करेंगे, नंबर तीन एड्स, नंबर चार डेंगू, नंबर पांच चिकनगुनिया, चिकनगुनिया के बाद नंबर छह पे पोलियो, नंबर सात पे हिपेटाइटिस, नंबर आठ पर चेचक, और नंबर नौ पर इन्फ्लुएंजा। तो ये सभी वायरस से होने वाले रोग हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे नोट करें। धन्यवाद।